हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। और ये जो पेपर है ये आप सभी के यानी कि 22 फरवरी को आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर है। और 100% गारंटी कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आप सभी का 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का पूरा 70 में 70 नंबर क्या है, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, पूरे के पूरे 70 नंबर आएंगे क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ बिल्कुल लिखित रूप से हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर बताएंगे। कैसे आप सभी को बोर्ड के पेपर में, हिंदी के पेपर में, ठीक है, आप सभी को कैसे कॉपी पर लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले। एक भी नंबर आप सभी का हिंदी के कॉपी में, एक भी नंबर आप सभी का न कटे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को ये जो पेपर बता रहे हैं ये बिल्कुल वायरल पेपर, इसका जो संकेतांक है आप सभी का यानी 22 फरवरी को जो आप सभी का हिंदी का पेपर आएगा उसका जो संकेतांक रहेगा, ठीक है, वो 810 सीडी का रहेगा। ये बहुत ही वायरल संकेतांक है और लगभग सभी जिलों में हर साल 810 सीडी पेपर का जो संकेतांक वाला पेपर है वो सभी जिलों में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल वायरल पेपर हिंदी का, आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले वो स्टूडेंट लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आप सभी का यानी इस पूरे पेपर की तैयारी कर लीजिए, आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है आप सभी को हर हालत में। ठीक है, चाहे जो हो जाए आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 जो है हिंदी के पेपर में जरूर लाना है। वो आप सभी को हमारा चैनल अपना विद्यालय आपको लाएगा। ठीक है, यानी आपको अगर आप लोग हमारे चैनल से पूरी सब्जेक्ट की क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आपका हर एक सब्जेक्ट में 95% आएगा। और आप सभी लोग इस बार, ठीक है, अपना स्थान यूपी में बनाओगे यानी पूरे आप सभी लोग प्रदेश टॉपर कर जाओगे, प्रदेश टॉपर बन जाओगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल की पूरी स्टडी करते हो तब, अगर आप लोग पूरे वायरल पेपर को तैयार कर लेते हो तब। यहाँ पे हमने आप सभी को बताया था कि हम आपको 10 सेट बताएंगे, ठीक है, पेपर की 10 सेट। और हमने अभी तक यानी हिंदी के जो है पहले हम कल से स्टार्ट किए सेट और कल हमने एक सेट हिंदी का बता चुका है और ये जो है ये सेट नंबर दूसरा यानी पेपर दूसरा है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट पहले सेट को नहीं देखे सबसे पहले वो स्टूडेंट पहले सेट को जरूर देख लेंगे। 10 सेट हम आप सभी को बताएंगे। आप लोग हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हो, अभी तक आपकी तैयारी बिल्कुल 0% है, फिर भी अगर आप लोग हमारे इस 10 सेट पेपर को हल कर लेते हो, ठीक है, आप लोग पूरे क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, पूरे 70 नंबर आएंगे तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये 10 सेट के पेपर को आप लोग डेली सॉल्व कीजिए, आपका पूरा 70 में आएगा 70 नंबर। और आपको हम क्लास 10th के आर सब्जेक्ट की पेपर डेली सॉल्व कराएंगे और सभी सब्जेक्ट का 10 सेट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बस 10 सेट आपको तैयार कर लेना, बाकी पूरे के पूरे आप लोग हिंदी के पेपर में 22 फरवरी को छाप कराओगे आंसर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, अनुक्रमांक है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे ये जो 901 है ये आपके हिंदी के पेपर का कोड होता है। ठीक है, और ये 2024 हिंदी का पेपर है। इसमें आप सभी को यानी इस पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा जिसमें 15 मिनट आपको तो इस पेपर को पढ़ना है और जरूर पढ़िएगा आप लोग। और इस 3 घंटे में आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है। बाकी इसमें जो आपका यानी कि पूर्णांक जो है वो 70 का रहेगा, आपको 70 नंबर में जो है पूरे नंबर लाना है। अगर आप लोग पूरी 10 सेट की तैयारी करते हो तो आपको पूरे के पूरे 70 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोग हमारे चैनल के सभी वायरल पेपर को देख लेते हो तो। मात्र आप सभी को पेपर देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। बाकी इसमें 2 खंड है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका आंसर आपको OMR शीट पे काले और नीले पेन से बाल पॉइंट पेन का मतलब आपको इस तरीके से डार्ट पेन से, ठीक है, गोले को भरना है OMR सीट में। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पर क्वेश्चन 1 नंबर का, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और बाकी आप सभी को OMR सीट में जब आप लोग उत्तर को अंकित कर दोगे इस तरीके से, ठीक है, आप लोग इस तरीके से आप लोग गोले को भर दोगे तो इसको आपको काटना नहीं है, नहीं आपको इरेजर का यूज करना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग बहुत ही सोच समझ के आंसर को भरिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है,
हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पे हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, त्याग पत्र के लेखक का नाम है जिनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, ठीक है, तो त्याग पत्र लेखक के जो नाम है वो जिनेन्द्र कुमार है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तीसरा, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, सेवा सदन, नदी के दीप और गुनाहों का देवता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यानी कि बी, सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक है, और जो है गोदान किसकी रचना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, रेखा चित्र विधा के लेखक, यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, ठीक है, विधा का मतलब कि ये जो रेखा चित्र है ये क्या है, यानी ये रेखा चित्र यानी कई प्रकार की विधा होती है, जैसे नाटक होता है, ठीक है, रेखा चित्र होता है, संस्मरण होता है, कहानी होता है, तो वही यहाँ पे पूछ रखा है कि ये किसकी किस विधा की रचना है, ठीक है, रेखा चित्र जो है वो विधा किस विधा के लेखक है, यानी इसके जो लेखक है वो कौन है, तो रेखा चित्र जो है यानी ये महादेवी का ये रचना है, ठीक है, यानी रेखाचित्र विधा की जो लेखक है वो महादेवी वर्मा है, ऑप्शन ए राइट है। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से एकांकीकार का नाम है, तो देखिए इनमें से एकांकीकार कौन है, ऑप्शन चार है रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एकांकीकार है वो रामकुमार वर्मा है, जिनका एकांकी दीप दान है, ठीक है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल कवि हैं, किस काल के कवि हैं, प्रयोगवादी के हैं, ठीक है, यानी किस युग के कवि हैं, या प्रगतिवादी के हैं, छायावादी है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये जो यानी कि कवि है यानी कवि है, ठीक है, ये प्रगतिवादी के हैं, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पे चिदंबरा के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा, ठीक है, तो चिदंबरा के रचयिता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है निर्जा के रचयिता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, सूरदास, ठीक है, तो निर्जा, निहार, दीप शिखा, यामा, ठीक है, ये सब किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नौवां क्वेश्चन है बिहारी कवि है यानी बिहारी लाल जो है वो किस काल के कवि हैं, बिरगाथा काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, या आधुनिक काल के, ठीक है, तो ये जो है ये रीति काल के कवि हैं, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है शिव राज भूषण के रचयिता हैं भूषण बिहारी देव केशवदास, ठीक है, तो वो भूषण ही है, शिवराज भूषण, भूषण का रचना है। नेक्स्ट है शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो आप लोग क्लास टेंथ में हो तो आप सभी को हास रस और करुण रस को पढ़ना है, ठीक है, तो शोक जो है ये करुण रस का उदाहरण है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है, और हास रस का जो हो जाएगा स्थायी भाव वो सिर्फ हास होता है, और ये जो है शोक जो है किसका स्थायी भाव है, तो वो करुण रस का है, ठीक है। नेक्स्ट है वो दीप शिखा की शांत भाव में लीन पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, ठीक है, यानी इसमें तुलना किया जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है नील सरोरूह श्याम सरुण अरुण बारिज नयन करऊ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, इस पद में छंद है, ठीक है, इस पद में कौन सा छंद है, तो देखिए आप लोग क्लास टेंथ में हो तो आपको सोरठा और रोला, ठीक है, सोरठा यहाँ पे सोरठा और रोला दो छंद को पढ़ना है, तो इसमें से जो छंद है इसमें सोरठा छंद है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है सहयोग शब्द में उपसर्ग है, देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछा है और यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है सहयोग, यानी उपसर्ग का मतलब कि इसके आगे ये शब्द के आगे दो वर्ड कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सह यानी सह जो है यानी जो आगे के दो वर्ड है वही उपसर्ग होता है, तो इसमें सह आगे लगे हुए तो ये सह जो है इसका उपसर्ग है, ऑप्शन सी राइट है। तद शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है, ठीक है, यानी तद आपको आपके एग्जाम में ये जो है न्यू क्वेश्चन तद का आ रहा है, ठीक है, सिर्फ तद का और इस तरीके से तद का युष्मद का, ठीक है, ये आएगा, तो तद शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन पूछ रखा है, तो वो हो जाएगा ते, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। और अगर आप सभी लोग विभक्ति और शब्द रूप को पहचानना चाहते हो, आप लोग की कैसे पहचाने किसका है या तद का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे चैनल पे विभक्ति और शब्द रूप पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है, जिससे आप लोग 1000 प्लस विभक्ति और
ठीक है, और शब्द रूप को पहचान सकते हो बस छोटी सी ट्रिक से। तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, या आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी, वहां से आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, माता पिता में समास है। देखिए अगर यहाँ पे माता पिता आ गया तो इनको एक साथ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, जैसे इनके इनके यानी बीच में यहाँ पे और शब्द का लोप होगा, जैसे माता और पिता, ठीक है, और जहां पे और शब्द का लोप होता है वहां पे क्या हो जाता है, द्वंद्व समास, ठीक है। जहां पे जैसे भाई बहन हो गए तो भाई और बहन, तो इसमें और शब्द का लोप है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है चपला का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इंद्र, बंदर, गंगा, बिजली। तो देखिए चपला मीन्स क्या होता है, यानी बिजली होता है, ठीक है, चपला, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं होता है, तो किसका प्रयोग नहीं होता है, तो परंतु का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। वाच्य के द्वारा पता चलता है, वाच्य के द्वारा किसका पता चलता है, तो कर्ता का चलता है, कर्म का, भाव का, प्रधानता का, ठीक है, इस तरीके से इनका पता चलता है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। हिंदी में पदों की संख्या है, तो हिंदी में पदों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे खंड ब, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न है, और इसमें सबसे पहले गद्यांश है, गद्यांश दो दिए हैं जिसमें से आपको किसी एक का ही 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर आप सभी को लिखना है, जो कि 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन है, यानी 3 × 2, ठीक है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये 6 नंबर का पूरा गद्यांश है, और बहुत ही वायरल, पहले ही इम्पोर्टेंट गद्यांश दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि पेपर ही बिल्कुल वायरल है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित 21 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, क्या है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है, यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, ठीक है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके, और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया, वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए ही नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की, ठीक है, पूर्णता स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी है, ठीक है। यानी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नए पहले की क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, यानी आपको इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में, ठीक है, यहाँ पे देश वगैरह जैसे आ गया, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे प्रजातंत्र आ गया, यानी कि इस तरीके से अमृत की भाव आ गया, तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो है ये भारतीय संस्कृति से है, यानी ये संस्कृति के बारे में कहा गया है, ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको संदर्भ में क्या लिखना होता है, अब आप सभी को लिखना कैसे है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर आप सभी का कहीं पर भी ना कटे। सबसे पहले आपको खंड ब लिखना है कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर, ठीक है, और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो आपको लिख देना है, और इसके बाद हमने आपको बताया कि ये गद्यांश है, कई बार हम बता चुके हैं, ठीक है, ये गद्यांश है तो आपको यहाँ पे गद हेडिंग डालना है, और इसमें आपको कुछ हिंट्स के रूप में क्या लिखना है यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, ये जो गद्यांश है इसके आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके आपको लास्ट के 2 वर्ड लिख देना है, ठीक है, गद हेडिंग डालना है, ठीक है, और इसके बाद ये जो यहाँ पे दिया है गद्यांश आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके आपको पीछे के 2 वर्ड को लिख देना है, तो यहाँ पे यह एक नैतिक डैश डैश, ठीक है, यहाँ पे एकता भी, सामाजिक एकता भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, हमने यहाँ तक ही लिखा है आवश्यक हो गया है, ठीक है, जहां तक अंडरलाइन था, लेकिन आपको यहां तक लिखना है, तो आप लोग यहाँ पे सामाजिक एकता भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में संदर्भ बोला था, तो आपको यहाँ पे संदर्भ पहला हेडिंग संदर्भ लिखना है, ठीक है, इसमें लिखना कैसे, प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, हिंदी से लिया गया, हिंदी गद्य खंड है, गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है,
पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आप सभी को कितना व्याख्या करना है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये इतने लाइन का ही सिर्फ आपको व्याख्या करना है, ठीक है। आपको पूरे यानी बनाकर ही किया जाता है इसका व्याख्या, आप सभी को जो है लाइन में वही सिर्फ अपने से आपको बनाकर करना होता है, ठीक है। कैसे है, सबसे पहले आपको एक या दो लाइन यहाँ पे गैप देना है, दूसरा है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, क्या हो जाएगा, शुरुआत कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको प्रस्तुत पंक्ति में लेखक यानी ये चार वर्डों से शुरुआत करना है, ठीक है। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही भारत को उसकी अमृतता का पाठ पुनः पढ़ाया गया है, इन्हीं के मूर्त रूप ने, ठीक है, प्रतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है, हमारी सूख चुकी हुई हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान किया है, ठीक है। यानी इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, पूरा आपको ऐसे ही पूरा व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए इसमें तीसरा में क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को इसी पैसेज में से ढूंढकर ही लिखना होता है, जहां पर जैसे ये प्रजातंत्र आपको इस पैसेज में मिलेगा उसी जगह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहां पे मिला, यहां पे खोजो आप लोग कहां पे मिला, तो यहां पे देखिए इस तरीके से यहां पे देखिए प्रजातंत्र मिला, ठीक है। यहां से यानी हम प्रजातंत्र, आप लोग यहां से प्रजातंत्र से लेकर के आप लोग यहां तक क्या करोगे, इसके तीसरे वाले क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिख दोगे, 100% बिल्कुल राइट हो जाएगा और पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, प्रजातंत्र का आशय, यानी आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, प्रजातंत्र का आशय है कि जिसमें, ठीक है, व्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता हो, जिससे वो अपना पूर्ण विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता का भी पूर्ण विकास कर सके, ठीक है। यानी इसी तरीके से जैसा दिया है बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ आपको थोड़ी सी अपने शब्दों में ऐसे बना करके लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हो गद्यांश तो पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। देखिए अथवा क्वेश्चन है, यानी दोनों में से आपको किसी एक को करना है, और ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक बार यही आया हुआ है, ठीक है। यानी जो मित्रता पाठ के जितने भी गद्यांश दिए आप लोग सभी को तैयार कर लीजिएगा। हमने कई बार बताया हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि आपको मित्रता पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है वो हमने लिख कर बताया हुआ है, वो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, किसी युवा पुरुष की संगति, यानी इस तरीके से अगर संगति आ जाए तो समझ जाइए कि ये जो है ये किस पाठ से है, ये जो है ये मित्रता पाठ से है, ठीक है। और इसके लेखक जो है वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आप लोग इनके जितने भी दिए हुए, ठीक है, गद्यांश आप लोग तैयार कर लीजिए, मित्रता पाठ से जरूर एक गद्यांश आपके पेपर में आएगा। और इसको हमने कई बार बता चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, उस वाले वीडियो में भी हमने इसको बताया हुआ है काफी अच्छे तरीके से, कैसे आपको इसके तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी हिंदी का कैसे लिखे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिये 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पे आधारित आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। ये भी 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। क्या यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पगु गिरी लाघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुनी पुन गुन पुनी बोले, ठीक है, यानी गुंग पुनी बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। इस तरीके से दिया, सबसे पहले क्वेश्चन में संदर्भ भी बोला है। तो यहाँ पे देखिये आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 का क, ठीक है, पद है तो पद, पद्यांश है तो पद लिखना है, और आपको आगे के दो वर्ड डैश डैश करके लास्ट के दो वर्ड को लिखना है। तो यहाँ पे चरण कमल, ठीक है, डैश डैश तिहपाई लिख देना है। और सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था, संदर्भ लिखने के लिए। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पद्यांश है तो पद्यांश, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड या पदखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है, ठीके? या आप लोग ऐसा लिख सकते हो पद नामक पाठ के, ठीक है, यानी पद शीर्षक से सुरसागर से लिया गया, ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, और ये जो है आप लोग ऐसे ही लिखेगा, ये सबसे सही तरीका है। इसके बाद देखिये इसमें क्या है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी आपको सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की व्याख्या करना है। तो दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है, क्या हो जाएगा, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति,
क्या है, पर्वत पर चढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि यहाँ पे यानी कि लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है, पर्वत पे चढ़ जाता है, लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाने लगता है, और गूंगा व्यक्ति यानी बहिरो सुनी गूंग पुनि बोले। ठीक है, यानी बहिर लोग जो होते हैं वो फिर से सुनने लगते हैं और गूंगे लोग फिर से बोलने लगते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से देखिए ईश्वर यानी ऐसे ईश्वर हैं जो इस तरीके से गूंगे व्यक्ति को फिर गूंगा व्यक्ति उनकी कृपा से फिर से बोलने लगता है और बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। ठीक है, यही सब चीजें आप सभी को इसमें लिखना है, बहुत ही अच्छा, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा पूरा। और बाकी इसमें एक क्वेश्चन है, क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार। ठीक है, तो ये चरण कमल बंदो हरिराई जो है ये रूपक अलंकार का उदाहरण ही है। ठीक है, आप लोग रूपक अलंकार पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा इसमें क्या है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग तीसरा डालकर लिख दीजिएगा रूपक अलंकार, अथवा यहाँ पे क्वेश्चन है दोनों में से किसी एक को करना है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभयों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरो के वंशज। ठीक है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, और ये जो है ये देखिए यानी इसमें स्वदेश प्रेम के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी ये पाठ का नाम इसका स्वदेश प्रेम है, और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, त्रिपाठी है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, और ये हम पहले से बता चुके हैं, तो आप लोग इम्पोर्टेंट जो हिंदी का क्वेश्चन है प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप सभी को ये वीडियो चाहिए कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे पहचाने कि ये किस पाठ के, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, तो इसकी वीडियो ट्रिक की हमारे चैनल पे बन चुकी है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पर हमारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, या पद्यांश पहचानने की, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी नहीं हुई जैसे मैथ इंग्लिश या साइंस सोशल साइंस कोई भी सब्जेक्ट, और अगर आप लोग उसमें बिना पढ़े अच्छे नंबर लाना चाहते हो, पास होना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में क्लास 10th के पास होने की बहुत ही जबरदस्त और अच्छी ट्रिक है, और 100% गारंटी वाली ट्रिक है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में चार प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें सभी वीडियो है, हमने उसी में रखा हुआ है। ठीक है, वहां से आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा, 100% गारंटी आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग हमारे ट्रिक का लेकिन यूज कीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे नंबर या पास हो पाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी इसके तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप सभी को, ठीक है, हमने बताया कि पहले से बता चुके, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इस क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आप सभी को हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, दो नंबर संदर्भ पे, तीन नंबर आप सभी को हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। यहाँ पे क्या है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी। ठीक है, यानी वाराणसी जो है, और यहां से लेकर के यहां तक दिया है गुणग्रही तासी तक, यहां तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि ये प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिखना है, और ये आप सभी को यहाँ पे संस्कृत गद्यांश है तो संस्कृत गद्यांश लिखना है, और इसके बाद वाराणसी और डैश डैश गुणग्रही तासी। ठीक है, ऐसे आप सभी को लिख देना है, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को दो पाई करना है। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में आप सभी को क्या लिखना होता है, पाठ का नाम सिर्फ इसमें लिखना होता है, तो यहाँ पे प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण, ठीक है, हमारी पाठक पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा इसका, तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। ठीक है, यानी वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल तरंगों, ठीक है, क्योंकि वाराणसी में गंगा जी है तो उनके जो पानी है वो स्वच्छ है। ठीक है, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है, इस घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद, ठीक है, चांदनी में बहुत शोभित होता है,
असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं, ठीक है, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में, ठीक है, गंगा जी उनके किनारे पूरे घाट बने हुए बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, आप सभी लोगों में से कितने लोग वाराणसी गए हैं, ठीक है, कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। इसके बाद अथवा करके दिया है, नागरिका बहुल कालम यावत अचिन्त्यत, ठीक है, परम पहलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत, यहां तक दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहां से लेकर के दतानी तक दिया हुआ है, और ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है, ठीक है, ये हमने कई बार बताया हुआ है। आप लोग चैनल पे हमारे जो वायरल पेपर हम बता चुके हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। ठीक है, बहुत वायरल है ये, हर साल समझिए कि ये पक्का आना ही आना है, हर साल आता है, पेपर में बिल्कुल छप चुका है। कैसे आप सभी को लिखना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत पद या संस्कृत श्लोक लिख सकते हो। सर्वे भवन्तु डैश भवेत् क्या हो जाएगा संदर्भ में, यानी इसमें पाठ का नाम क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी हिंदी अनुवाद में क्या हो जाएगा, एक लाइन गैप देकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, ठीक है, और सर्वे संतु निरामया, यानी सब रोग रहित, तो यानी कि रोग निरोग हो, ठीक है, किसी को रोग न हो। और उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मतलब होता है कल्याण को, ठीक है, पश्यन्तु होता है देखना, यानी सब कल्याण को देखे, मां कश्चित् दुर्भागः, यानी कोई भी दुखी न हो, ठीक है, अर्थात इस जो श्लोक है इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है, यानी ऐसे आप सभी को लिखना, बहुत वायरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल तैयार ही कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अथवा वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप सभी का यानी बीर बीरेड़ पूज्यते से है, और इसको भी हमने कई बार बता चुका है। आप लोग जो इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन है प्लेलिस्ट, उसमें आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, इसमें कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आप लोग निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का, ठीक है, किसी एक का आपको उत्तर देना है, 3 नंबर का है, यानी ये जो चीजें है ये बिल्कुल जिला वाइज होता है, आपको किसी एक का ही याद करके जाना है, सभी का नहीं याद करना है, और आपको 3 पेज इसको लिखना है, ठीक है, और ये आपके जिला के हिसाब से होता है, यानी आप लोग जिस जिले को उसी हिसाब से आपको एक याद करके जाना है। तो आप सभी लोग किस जिले के हो ये मुझे नहीं पता है, और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हो सकता है हम बता भी देंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हमने जितने जिले हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमने खंड काव्य को सेंड कर दिया है, भेज दिया है कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा, या इस पे हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड काव्य याद करके जाना है, तो उस वीडियो को भी आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 दिए आपको किसी एक को, यानी 2-2 क्वेश्चन है पर का, लेकिन आपको किसी एक के बारे में ही लिखना है, ठीक है। मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, इस तरीके से। और यहाँ पे मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आप सभी को करना है, यानी ऐसे आप सभी को लिखना है, ठीक है। ज्योति जोहार, इसके बाद अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, ठीक है, कर्म वीर, तुमूल, इस तरीके से कई दिया है, आप लोग को किसी एक का लिखना है। इसके बाद देखिये नेक्स्ट है यहाँ पे 26 का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का आप सभी को एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, और उनकी रचना का भी आपको नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन पर्चे पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर आप सभी को मिलेंगे। पहले है जयशंकर प्रसाद, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और दूसरे हैं डॉक्टर यानी भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है जयप्रकाश भारती, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को यानी जयशंकर प्रसाद का जीवन पर्चे जो बता देते हैं, जो बिल्कुल आपके पेपर में हिंदी के छप चुके हैं, ठीक है। तो आपको देखिए लिखना कैसे, सबसे पहले आपको लेखक परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जिसका लिखना है आपको नाम लिख देना है, जीवन परिचय हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से,
और यहाँ पे संक्षिप्त परिचय में आपको अगर आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो एक टॉपर की जो तरीका होती है वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखा जाता है, ठीक है, और सबसे बेस्ट यही तरीका होता है। तो नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म आपको इनका 1889 ईस्वी में हुआ था, आप लोग 89 और 90 दोनों लिख सकते हो, ठीक है, दोनों इनके यानी जन्म में इनके मतभेद है, दोनों लिखा जाता है। स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी, लहर, तितली, इरावती, अपूर, ठीक है, जो भी है एक दो लिख देना है। मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया था। यानी आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, आप लोग इस 5-6 पॉइंट को सिर्फ तैयार कर लीजिए, पूरा जीवन परिचय आप लोग लिख लोगे किसी भी कवि या लेखक का, ठीक है। अब देखिए इसी से आपको जीवन परिचय बनाना है, क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके पिताजी का मृत्यु जो हुआ था वो इनके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद ये अपने घर में सबसे बड़े थे, इसलिए इनके कंधों पर पूरा बोझ आ गया घर से, घर का, ठीक है, जिससे इनका जीवन जो है अत्यधिक कठिनाइयों के साथ बीता। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील रहा है और अल्प अवस्था में 6 रोग से ये ग्रस्त हो गए। इनको अत्यधिक टेंशन होता था। जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, यानी 3 शादियां किए थे, इनकी तीनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई थी और इनके भाभी थी उनकी भी मृत्यु हो गई थी, यानी इनके घर में बहुत ज्यादा देहांत हुआ, ठीक है, जिससे इनको बहुत ही टेंशन हो गया, जिससे ये, ठीक है, 6 रोग इनको हो गया और ये ग्रस्त होकर उससे मर गए। 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा। इसके बाद देखिए अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हो जाएंगी। आपको रचनाएं ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना महाकाव्य कामयानी, इनका नाटक अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, और उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर आदि इनकी इस तरीके से रचना है, ठीक है, आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गए यहाँ पे और बाकी भगवत शरण उपाध्याय और जयप्रकाश भारती का हम पहले से बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे ख, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, देना है और उनकी रचनाओं को लिखना है, ये भी 5 नंबर का है। पहला सूरदास, दूसरा बिहारी लाल है और तीसरा मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का हमने बता चुका है, बिहारी लाल जी का भी बता चुके, सूरदास जी का भी बता चुके, लेकिन यहाँ पे भी हम आप सभी को बता ही देते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो जाएगा सूरदास जी का जीवन परिचय, ठीक है, ठीक है। जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु इनका 1583 ईस्वी में हुआ था। अब जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, सूरदास जी का जन्म, ठीक है, सन यहाँ पे 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके पिता पंडित रामदास सारस्वत एक ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से ही ये अंधे थे, और कुछ कहते हैं कि बाद में ये नेत्रहीन हो गए। यानी इस तरीके से जो सूरदास जी है इनके जन्म के बारे में भी कोई लिखित और सही परिणाम नहीं है। कई विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिल्ली कहता है, कहीं रुनकता, तो कहीं सीही, ठीक है। यानी इनके जन्म कब हुआ था ये भी क्लियर नहीं पता है, विद्वान लोग अलग अलग अपना मत दिए, और ये जन्मांध थे या बाद में नेत्रहीन हुए ये भी किसी को नहीं पता, ठीक है, सभी लोग अपना अलग अलग मत देते हैं। तो इस तरीके से सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है मथुरा में स्थित गरु घाट था वहां पे बिताया, ठीक है। यही पर आकर उन्होंने विनय से पूर्ण पदों की रचना की है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने लगे हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट, ठीक है, पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद रचनाएं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं जो है निम्न है, सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल तरीका हमने आपको बताया, ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा और ये सरल तरीके से जो हमने आपको बताया ये आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। 27 क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, ठीक है। तो आप लोग यानी 3 श्लोक याद कर लीजिएगा, जिसमें से 2 श्लोक अगर आपके प्रश्न पत्र में भी आ जाएंगे तो
तीन श्लोक में से एक को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, ये वाला भी आप लोग याद कर लीजिए, यानी एक श्लोक ये वाला लिख लीजिएगा। एक आप लोग बंधन मरणो वापी जियो वापी पराजय उभद्र समो वीर भावो वीरता, ठीक है, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन है जो कि आपके हिंदी के पेपर में इस बार न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। विद्यालय में अन्य विद्यालय के छात्रों के साथ मैत्री मैच खेलने हेतु प्रधानाचार्य को आपको आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। अथवा भ्रष्टाचार निवारण हेतु उपाय सुझाते हुए एक समाचार पत्र के संपादक के नाम पर एक पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम पहला का आंसर क्या हो जाएगा और कैसे आप सभी को लिखना है, ठीक है। प्रार्थना पत्र यानी पत्र आप लेखन कैसे करना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो पहले की सेवा में, ठीक है, कौवा प्रधानाचार्य जी को लिखना है। तो प्रधानाचार्य जी, कोई भी स्कूल का नाम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको समझ में आए, ठीक है। भारतीय पब्लिक स्कूल अमृतसर, यहाँ पे हमने लिख दिया है। महोदय कामा, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में, ठीक है, यानी आप लोग यहाँ पे दसवीं लिख दीजिएगा, दसवीं, ठीक है, दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं विद्यालय का अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी हूँ या क्रिकेट खिलाड़ी हूँ, ठीक है। मैंने पिछले वर्ष भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे स्कूल की टीम ने भी पिछले साल ट्रॉफी जीती थी। हम इस बार भी दूसरे विद्यालय के साथ फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ। मेरी टीम में सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार भी हम अवश्य जीतेंगे, ठीक है। अतः आप हमें फुटबॉल या क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, सधन्यवाद, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, यहाँ पे जो भी नाम, आपको नाम तो नहीं लिखना है, आपको बोर्ड एग्जाम में क ख ग लिखना है, ठीक है, नाम नहीं लिखा जाता है। और क्लास जो भी है तो आप लोग यहाँ पे क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर जितना भी आपका लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आप सभी लोग, ठीक है, जो भी डेट रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे 22 फरवरी तो आप लोग 22 फरवरी लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा लिखना, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। यानी आप लोग को दो क्वेश्चन को ही सिर्फ करना है। चार क्वेश्चन है जिसमें, यानी पर क्वेश्चन एक एक नंबर का, दो क्वेश्चन दो नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 29 का पहला हो जाएगा, वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद बीर केन पूज्यते, तो बीर बीरेड़ पूज्यते, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदेन बिना किम दूरम याति, यानी बिना पैरों का कौन दूर दूर तक जाता है, तो पत्रम, ठीक है, पत्र जाता है। पदेन बिना पत्रम दूरम याति। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा, विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। यानी ऐसे आप सभी को लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो ही आपको लिखना है, चारों आप लोग तैयार कर लीजिए, जो आपको, ठीक है, यानी समझ में आता हो, अच्छा क्लियर याद है, वही आप लोग लिखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो सबसे लास्ट है और सबसे अधिक नंबर का, यानी 7 नंबर का टोटल आपके एग्जाम में आता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला है, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण कारण निवारण सदाचार, ठीक है, ये दोनों हमने बता चुका है पहले। और इसके बाद आप सभी को हम ये पहला जो है, विद्यार्थी जीवन में खेल का क्या महत्व है, आप सभी को, ठीक है, इस पे हम आपको निबंध बताएंगे। तो देखिए कैसे आप सभी को लिखना है, तो यहाँ पे यानी विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व पर निबंध, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहला रहेगा प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में आप सभी को क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप सभी को कैसे लिखना है, देखिए, मानव प्रातः से शाम काल तक कार में जुटा रहता है, ठीक है, निरंतर कार के बोझ से वो घुटन एवं बेचैनी का अनुभव करता है। उसकी इच्छा होती है कि वो कुछ समय अवकाश के क्षणों में ऐसा साधन अपनाए जिसके माध्यम से उसके मन मस्तिष्क को शांति मिले, ठीक है, तथा उल्लास से हृदय तंत्री के तार, ठीक है, यहाँ पे झंकित हो उठे। इसका सर्वोत्तम साधन खेलों को ठहराया गया है। व्यस्त जीवन एवं खेल, आज मानव का जीवन इतना व्यस्त है कि वह प्रातः से लेकर शाम तक किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता है। रोजी रोटी की समस्या के कारण दिन प्रतिदिन चिंतित रहता है या पढ़ाई लिखाई, ठीक है, जो विद्यार्थी जीवन है वो पढ़ाई लिखाई में चिंता तथा आवश्यक से अधिक श्रम उसे कमजोर बना देता है। ऐसी स्थिति में पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार का खेल अथवा व्यायाम अपेक्षित है। खेल का मन तथा मस्तिष्क से यानी घनिष्ठ संबंध है। खेल के मैदान में
उतरने पर मन प्रसन्नता से भर उठता है। एडिंग है खेलों का महत्व। खेल से मन बहलाव के साथ साथ हमारे समय का भी अच्छा उपयोग होता है। खेल से मानव में नई स्फूर्ति तथा शक्ति का संचार होता है। खेल आपस के बैर भाव को भुलाकर ऐसी एकता का प्रदर्शन करता है जो देखते ही बनती है। ठीक है, खेल हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। संगठन तथा एकता का विकास भी खेलों के माध्यम से होता है। खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। खेल इंसान की रोजी रोटी में सहायक है। खिलाड़ी प्रतिपल चुस्ती तथा ठीक है स्फूर्ति का अनुभव करता है। वो प्रत्येक कार्य को चाहे वो शरीर से संबंधित हो या मस्तिष्क से उसे तुरंत पूरा कर लेता है। लास्ट में उपसंहार रहेगा, इसमें आपको अपने विचार देना होता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जरा भी शंका की गुंजाइश नहीं है। कुछ लोगों की यह धारणा गलत है कि खेलों में समय नष्ट होता है, अतः खेल का शिक्षा के साथ तालमेल उपयुक्त नहीं है। ठीक है, खेल बालक के शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक उत्थान के प्रमुख स्रोत है। यानी खेल खेलने से हमारे मस्तिष्क का भी विकास होता है। ठीक है, और हमारे यानी कि जो मन है वो बिल्कुल प्रसन्नित रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यही है महत्व। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को निबंध आएगा तो खेल पर तो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, और जरूर आएगा आपकी एग्जाम में। इस तरीके से आप सभी लोग ठीक है क्लास टेंथ के हिंदी के इस पेपर को आप लोग जरूर पूरा तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही ये वायरल पेपर है आपका। 22 फरवरी के सभी क्वेश्चन इसी सभी पेपर में से आएंगे, जितने भी पेपर हम आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, आपको 10 सेट हम बताएंगे हिंदी के पेपर का। आप लोग सभी सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी अगर 10 सेट को सॉल्व कर लिए तो आप लोग का ठीक है आसान पर यानी आसानी से आप सभी लोग का 70 में यानी आप लोग सिर्फ हमारे पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आपका 70 में जो है 65 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और अगर आप लोग 10 सेट को पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आपका 70 में 70 बिल्कुल पक्का ही है। तो आप लोग ठीक है डेली पेपर को देखिए, जितना भी पेपर हम आप सभी को देंगे यानी 10 सेट का क्लास टेंथ के ऑल सब्जेक्ट का सभी पेपर को आप लोग जरूर देख लीजिए। पूरे आपको सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं, इसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो भी तैयार हो जा रहा है। ये आपके पेपर प्रीवियस ईयर्स पेपर की तरह है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ठीक है वो आप सभी के पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग इस पूरे पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और हम आप सभी को सभी पेपर बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही इसमें मेहनत लग रहा है। सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ कर हम आप सभी को बता रहे हैं। ठीक है, और 100% आपको समझा रहे हैं। तो आप लोग कम से कम इस वीडियो पे 1000 लाइक जरूर कीजिएगा, इतना आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो यामा है ये किसकी रचना है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने कई बार बता चुका है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।